अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुरीन और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मजे में होंगे। हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं आज जनाब, बहुत दिन बाद, तीन दिन बाद, और आज का व्लॉग बड़ा जबरदस्त होने वाला है। अभी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है कॉलेज में, पहले दिखाता हूं हम क्या कर रहे हैं। अभी जी जो हमने प्रोजेक्ट किया वो कॉपी हो रहा है डेस्कटॉप पे, अभी इसमें पीछे से हमने कार्ड लगाया तो अभी वो कॉपी करते हैं। और आज बहुत सारा काम है, आज बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल अभी हम क्लास में, और पीछे से क्लास चल रही है इसलिए आराम से बात करनी पड़ेगी, और फिलहाल हम कॉपी कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ब्रॉडकास्ट के लिए हमारे मनान साहब इज रेडी। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज कैप्टन मनान साहब। First of all, I would like to welcome you on board our flight Indigo 601. Our flight from Srinagar to Delhi will be on. Zara isko tu bahar nikalo, ek minute laga wapas. अभी जी हम लेने वाले हैं पहले मसाल सूट, द बेस्ट। एक जर्नलिस्ट के लिए मसाल सूट बहुत जरूरी है। ओके, कैमरा वो रहा, कैसा जबरदस्त जी। हम कॉलेज से आ गए हैं, अभी बज रहे हैं 5 और बहुत ज्यादा थक गए, बहुत हेक्टिक डे, मतलब आज जल्दी निकलना था कॉलेज से बट अनफॉर्चुनेट इतना काम पड़ा आप पूछे मत। और आज क्या स्पेशल था, आज से शादी शुरू होने वाली है, शादी की तैयारियां हो गई और अब कल से तो शादी है। आज मैं वहां जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ मैं, सकलैंड के घर, और आज मौसम भी आया होगा तो अभी घर पहुँचते, मौसम से आपको मिलाते हैं और उसके बाद मुझे शायद आज ही अहमदनगर जाना है 90 फिट। अभी घर पहुँचते, सलाम अलैकुम। हेलो, ओके गाइस, मौसम इज हियर, मौसम आ गया है। सीधा नीचे जा रहा है। ओके जी, हम जी आ गए घर और कपड़े भी चेंज कर लिए। अभी क्या करना है हमें, अभी हमें पैकिंग करनी है क्योंकि मुझे जाना है आज ही सकलैंड के घर। घर वाले जो है मम्मा पापा दादी और मौसम जो है वो आएंगे कल, तो आज मैं जाऊंगा, ठीक है, कल सुबह वो पहुंच जाएंगे। अभी मैं निकलूंगा, अपनी पैकिंग करूंगा और शादी पे चलते हैं, ठीक है। बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहने वाला है, और कश्मीरी शादी कैसे होती है वो आप लोगों को हम पूरा अच्छे से दिखाएंगे इस बार। तो अभी फिलहाल अपनी पैकिंग करते हैं और फिर सफर वहां का शुरू करते हैं, तो चलिए। अभी मैंने पैकिंग भी कर ली और मैं हो गया रेडी, डन, ठीक है। अभी हम निकलते हैं सीधे सकलैंड के घर, मासी के घर, ठीक है, सीधे वहां पहुंचते हैं, स्कूटी पे जा रहे हैं और पापा मम्मा कल आएंगे गाड़ी में, ठीक है, आराम से। और जो मैंने कपड़े साथ लिए थे वो भी मैंने बैग यहीं रखा क्योंकि मैंने सोचा कि वो ये अपने साथ ही लाएंगे वरना स्कूटी पे मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल अभी हम निकलते, चले लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चले जी बिस्मिल्लाह, सफर शुरू। क्या दादी हेलमेट चाहिए क्या, वही लाग पे हेलमेट, चलो दादी भाई छुई क्या छको ना, खुदा सुन नाव है उसमें। ओके जी, चलो बाय छुई, जहालत के मिसत कर ब। ये क्या नाश्ते क्या चुत लोग मुझे, ओहो। वो हमने बॉम्बे से दादी के लिए ये तीली लाई तो वो लगाई दादी ने, नहीं नहीं सजंज जबरदस्त, चलो बाय, ओके टाटा। ओके जी, अभी हम घर से निकल गए और आज मजा आ रहा है स्कूटी चलाने में क्योंकि स्कूटी आज पूरी साफ है। हम जी आ रहे हैं पता नहीं किन रास्तों से, मुझे नहीं पता कुछ भी, आज पहली बार मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ क्योंकि तो स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं 90 फीट से, तो पूरी औरत है जितनी भी वो बाहर आई है सड़कों पे के स्मार्ट मीटर नहीं लगाओ। तो अभी हम आए हैं पता नहीं किस रास्ते से, आई डोंट नो, कुछ नहीं पता, बट मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि यहाँ से कहाँ जाते हैं, मैं पूछूंगा बांदस, फिर बांदस से आऊंगा 90 फीट, तो देखते हैं। भाई साहब, मैं फिर से पहुंच गया इस रास्ते पे जिसे पहले मैं अभी यहीं से आया और इस रास्ते में मैं फिर से पहुंच गया और मुझे नहीं पता कैसे, मतलब मैं यहाँ कैसे पहुंचा, आई डोंट हैव एनी आइडिया। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता मिल गया और अभी हम पहुंचे सीधे अल खुदाम के पास। अभी यहाँ से जाएंगे लेफ्ट, ओके, ये देखे शादी की तैयारी हो रही है, जल्ला शानु अजान हो गई, मिलते हैं अंदर। तो जनाब यहाँ पहुंच के एक ऐसी खबर मिली जिससे सबके जो मूड है, जनाब यहाँ पहुंच के एक ऐसी खबर मिली जिससे हालत जो है वो पूरी ख़राब हो गई। जो दुल्हे हैं उनकी फेरी बहन गुजर गई और इन्नल्लाहि व इन्नल्लाहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनको जन्नत में बहुत 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 ऊंचा दर्जा अता करे। तो बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि वो कुछ टाइम से बीमार ही थी बट बहुत छोटी थी अभी, तो बहुत बहुत बुरा लगा। तो और शादी का माहौल था यहाँ से, तो वो सारी जितनी भी शादी थी वो कैंसिल करनी पड़ी। और आज कश्मीरी में जो वो फंक्शन बोलते हैं मलमंज, आज वो था और कल मंज रात थी, ठीक है, मेहंदी रात कल थी, तो सारा कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वो सडन डेथ हुई उनकी। तो बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा, और
फिर व्लॉग भी नहीं बन पाया वहाँ से आके, बहुत मतलब बहुत बहुत दिमाग बहुत बिजी हो गया, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करेंगे। तो अभी मैंने सोचा ये चीज़ आपको इन्फॉर्म करनी तो बनती है और व्लॉग में ये चीज़ बोलना तो मेरा काम ही है, व्लॉग करना, अपनी ज़िंदगी के जितनी भी चीज़ें होती रहती है वो आप लोगों से शेयर करना, तो ये मेरी डेली लाइफ का पार्ट है। तो मैंने सोचा आपको बताऊँ, आप सोच रहे होंगे कि शादी थी, मुरीन ने कहा था वो कहाँ गई, तो अब हमने डिसाइड किया यहाँ जितने भी यहाँ पे है एल्डर पीपल जो है उन्हें डिसाइड किया कि शादी अब एक महीने एक डेढ़ महीने पीछे करते हैं ताकि सब अच्छे से नॉर्मलाइज जब हो जाएगा फिर शादी अच्छे से करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम शादी करेंगे मतलब हो ही नहीं सकती है शादी, बट कोई मज़ा नहीं आएगा क्योंकि गम है, टेंशन है, बहुत सारा मतलब बहुत गम है इस चीज़ का। तो आज का व्लॉग जो है यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ 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 दुआ कीजिएगा उनको, अल्लाह ताला जन्नत में बहुत बहुत ऊंचा मुकाम अता करें, आमीन सुमा आमीन। और ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।